ओके सो हमने अभी पढ़ा डेंसिटी के बारे में, है ना। अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं और पढ़ते हैं स्पीड। अब स्पीड और वेलोसिटी जो है उनमें बहुत थोड़ा सा फर्क है, बहुत थोड़ा सा। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड यानी कि वेग, है ना। इसको बुलाते हैं डिस्टेंस यानी कि दूरी, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम, कितना समय लगा, है ना। तो डिस्टेंस या दूरी ये क्या है, मास है, भार है, लेंथ है ना, या टाइम है, क्या है। समझ में आ रहा है कि ये तो आप केजी में नहीं, सेकंड में भी नहीं, बल्कि किस में मेजर करोगे, मीटर में। तो डिस्टेंस यानी कि लेंथ मीटर में आएगा, डिवाइडेड बाय टाइम वही सेकंड में आएगा, ठीक है। इसीलिए स्पीड की जो यूनिट है वो बन जाती है मीटर पर सेकंड। याद करिए मैंने इस लाइन को क्या बोला, क्या पढ़ते हैं हम, पर। सो मीटर पर सेकंड, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अभी बताया था सेकंड की पावर यहाँ कितनी है, +1, है ना। इसको ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो +1 के बदले कितनी हो जाएगी, -1। तो स्पीड की यूनिट मीटर सेकंड इनवर्स, इसको इनवर्स बोलते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं या मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसे लिखो, ठीक है। अभी स्पीड और वेलोसिटी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, छोटा सा मामूली सा फर्क है, वो हम आगे सेकंड यूनिट जब करेंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लो कि जो यूनिट है ना, वो इन दोनों का सेम होता है। तो वेलोसिटी का यूनिट भी कितना आएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। या तो मीटर पर सेकंड बोल लो स्पीड की तरह, या अभी जैसे बताया मीटर सेकंड -1, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपने पढ़ा है वो है एक्सेलरेशन, है ना, ठीक है। सो अब एक्सेलरेशन क्या पढ़ा हमने अभी, सो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, है ना, क्या होता है ये, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से पहले तो वेलोसिटी की यूनिट लिखो, क्या है वेलोसिटी की यूनिट, अभी हमने देखी मीटर सेकंड इनवर्स, वेलोसिटी की यूनिट आ गई, डिवाइडेड बाय किसकी यूनिट लिखेंगे, टाइम, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, ठीक है। तो अब ये सेकंड ऊपर जब जाएगा, इसकी पावर फिर से कितनी है, -1, है ना। तो ये जब ऊपर जाएगा तो पहले से -1 था और अब ये वाला -1 भी ऊपर चला गया, समझ आ रहा है, ये वाला ऊपर गया यहाँ लिख दिया, तो टोटल कितने -1 हो गए, तो ये बन जाएगा मीटर सेकंड -2, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों ठीक है, ऐसे भी जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिखो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट, SI यूनिट बन गई, डिराइव्ड यूनिट बन गई, वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड -2, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक था वो था फोर्स, है ना। फोर्स फॉर्मूला देखिए, फोर्स का, फोर्स का फॉर्मूला क्या बोलता है, फोर्स यानी कि बल, है ना। क्या है फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, मैं इंटू का साइन लगाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मीटर नहीं है, है ना, इसको पढ़ेंगे क्या, मास, ये याद रखना है, मैं पूरा ही लिखती हूँ रहने दीजिए वरना आप कंफ्यूज होंगे, ये मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब फिर से मास का, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, तो मास का SI यूनिट क्या होगा, क्या पढ़ा है हमने, मास का SI यूनिट kg पढ़ा है ना, और अभी हमने एक्सेलरेशन का क्या यूनिट पढ़ा, ये देखिए ये एक्सेलरेशन का हमने क्या यूनिट पढ़ा, मीटर सेकेंड -2 पढ़ा हमने। तो जो फोर्स है उसका यूनिट, डिराइव्ड यूनिट बन जाएगा kg
मीटर सेकंड माइनस टू। एक सेकंड यहाँ रुकेंगे और देखेंगे जो स्टार्टिंग में बोला था कि डिराइव्ड यूनिट कैसे बनाते हैं। बोला था डिराइव्ड यूनिट जितने भी एसआई यूनिट हैं उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बनाते हैं। तो आप देखो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल दिख रहा है, एक एसआई यूनिट केजी, दूसरा एसआई यूनिट मीटर, तीसरा एसआई यूनिट सेकंड, और इनको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करके ये एक डिराइव्ड यूनिट बन गया। यहाँ तक समझ आ रही है? अब एक काम और, बार बार आपसे कह रही हूँ कि फिज़िक्स आपको मुश्किल काम नहीं देना चाहता है। फिज़िक्स चाहता है कि आपका काम कैसा हो, आसान बने, बड़ा ही आसान रहे। अब समझ लो कि इस यूनिट को बार बार बोलना पड़ रहा है, ठीक है? कोशिश करो अपने दिमाग में इसको बार बार बोलने की, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, के जी मीटर पर, बहुत लंबा चौड़ा नाम बन जा रहा है। बोलते नहीं ये काम नहीं, कुछ समझ आ रहा, ये तो मुश्किल हो जाएगा, बार बार इतना लंबा चौड़ा कौन बोलेगा। तो कहा इसको डिराइव्ड यूनिट रहने दो, लेकिन इस डिराइव्ड यूनिट को हम एक छोटा सा नाम देंगे, नया नाम देंगे, और हम उसे नया नाम देते हैं न्यूटन, ठीक है? और सिंबल इस यूनिट का आएगा कैपिटल एन, ठीक है? अब यहाँ समझने वाली बात है, सॉरी, यहाँ समझने वाली बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए ध्यान से। ये है डिराइव्ड यूनिट, कौन सा यूनिट है ये? ये डिराइव्ड है क्योंकि इसमें एसआई यूनिट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लिखा है। क्योंकि ये यूनिट बहुत लंबा चौड़ा बन रहा था, इसको एक नया नाम दिया और वो आया न्यूटन, और ये बन गया एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स। थोड़ा सा इधर समझने की ज़रूरत है, आराम से समझेंगे। ये डिराइव्ड यूनिट बना जो इस फॉर्मूला को निकाल करके हमने बनाया, ठीक है? लेकिन क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा नाम बन जा रहा है और हमें इसको शॉर्ट करना है, तो हमने इसको नाम बदल दिया, एक नया नाम दे दिया न्यूटन, ठीक है? और अब से हम इस यूनिट को नहीं यूज़ करेंगे। अब अगर हमें फोर्स के बारे में बात करनी है तो हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे? न्यूटन। इसीलिए, क्योंकि इस यूनिट को आगे लेके चल रहे हैं, तो इसीलिए ये बन गया एसआई यूनिट किसका? न्यूटन, फोर्स का, ठीक है? समझ आ रही है यहाँ तक? अगर आप ध्यान देंगे तो इसके पहले, ये देखो, फोर्स के पहले जो डिराइव्ड यूनिट था वो ही एसआई यूनिट भी था, दिख रहा है? डिराइव्ड यूनिट मीटर स्क्वायर था, एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, डिराइव्ड यूनिट मीटर क्यूब, एसआई यूनिट भी मीटर क्यूब, डिराइव्ड यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, एसआई यूनिट भी केजी पर मीटर, सब सेम है, दिख रहा है आपको? सबसे पहला चेंज इधर आया, क्यों आया होगा? क्योंकि जो समझ में आता है कि ये बहुत लंबा चौड़ा नाम बन रहा है, बार बार बोलना मुश्किल होता है, तो फिर इसको एक छोटा नाम दे दिया गया न्यूटन। समझ आ रही है बात, ठीक है? सो डिराइव्ड यूनिट अलग होते हैं और एसआई यूनिट कई बार उन्हीं के जैसे होते हैं और कई बार वो अलग होते हैं। यहाँ तक समझ में आया?